हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? और आज हमारा और आपका स्वागत है। वीडियो एंड तक देखिएगा। बाय बाय दोस्त, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नीचे में क्लिक बटन दबा दो, लाइक हो जाएगा। कैसा लगा आज का आपको इंट्रो वीडियो? तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे चैनल पर डेली व्लॉग्स आते हैं, स्टडी व्लॉग्स। तो जो भी इस चैनल पे नया है उसको मैं बता दूँ, मेरा नाम है पूजा और मैं जनरल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले पिया था पानी और सबके लिए बना दी थी चाय। उसके बाद ही ब्रेकफास्ट बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसके लिए मैंने आलू को उबाल दिया और उसको अच्छे से फ्राई कर दिया, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में बनने वाला था आलू के पराठे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो इसी चैनल पे वीडियो डली हुई है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर मुझे बताएगा किस किस को आलू के पराठे पसंद है, और ख़ास करके विंटर में। और तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो पर आप एकदम पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने किचन को क्लीन किया और सारे बर्तन भी क्लीन कर दिए। उसके बाद शाम को ही सामान आया हुआ था सारा राशन का, तो उसको जल्दी जल्दी से अपनी अपनी जगह पे पहुंचा देते हैं। तो हमारे घर में दो फ्रिज है, जिसमें से एक फ्रिज ख़राब हो चुका था और इस फ्रिज का यूज़ हो रहा है स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारे जितने भी राशन के सामान आए हुए थे उसको जल्दी से फटाफट अपनी अपनी जगह पे रख दिया है। और सुबह सुबह का टाइम होता है, इस समय बहुत ज़्यादा काम होता है और मैं बहुत ही ज़्यादा रस में भी रहती हूँ जल्दी जल्दी से काम निपटा के, क्योंकि मुझे जाना रहता है लाइब्रेरी। और ये मैं लाइब्रेरी से वापस आ गई थी तो टाइम हो रहा था 3:30 बजने वाले थे, और यहाँ पर आ गया था मटन जिसको मैंने बनाया। तुमसे बड़ी हो गए, देखो कब मिलेगा। जब 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 तुम पढ़ाई लिखाई करके और थोड़ी और बड़ी हो जाओगी ना, तब तुमको जॉब मिल जाएगा। इतना बड़ा तो तुम मुझे स्कूल में एडमिशन करवा लेना। ठीक है मिलेगा, तो नहीं मिला तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा हाँ मिल जाएगा। तो गाइस, तो कैसे हैं आप? आज मम्मा को जॉब मिलने वाला है। तुम भी दोगी क्या? जब मम्मा मुझसे भी बड़ी हो जाएगी ना तब। ये क्या लेके आ गई? चिंता। तो ये मैंने चिंता लेके आया है और मैं ऐसे बैठा हूँ। तो आज मम्मा को जॉब मिलने वाला है। मम्मा लैपटॉप पे काम करेगी, तब मम्मा को जॉब मिल जाएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, से छुट्टी बना के जैकेट पहनूं या नहीं पहनूं? चल बाकी घर तो जैकेट पहन के ना जाते हैं, ये जैकेट पहन के मम्मा को जॉब मिलने वाला है। और मम्मा अभी पढ़ाई कर रही है, और जो है मम्मा में क्या लिखा है, और एक एल लिखा है, एक ई, एक पी, और एक एल लिखा है, एक एम, और एक ओ, और पी पी, और मम्मा ने ही बोल दिया सिर्फ पढ़ाई कर रही है। मैं नहीं बोलूंगी, तुम मुझे परेशान कर रही हो। तो मम्मा का जॉब मिलने वाला है। कैसे? जब मम्मा थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करेगी तब मम्मा को जॉब मिल जाएगा। बाय फ्रेंड, सब्सक्राइब करो। तो अभी आपने देखा कि कैसे वो मस्ती कर रही थी। तो अभी 5 बज रहे हैं, तो मैं अभी आपको टाइम दिखाती हूँ। शाम के 5 बज रहे थे और मैं यहाँ कंप्यूटर की बुक लेकर बैठी हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है तो जिसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये मैंने ये बुक निकाली जिसमें लगभग 2400+ क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर तो मैंने बहुत बार पढ़ा, तो उसी को मैं रिवाइज करूँगी। स्टार्ट करती हूँ अपना रिवीजन और फिर 1 घंटे बाद में आगे मिलती हूँ आपसे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो ये जो दिख रहा है वो खेत है, चने का साग लगा हुआ है इसमें। ये हमारे घर के सामने ही है, तो यहाँ से हमने चने के साग को ख़रीदा और बहुत ही मुश्किलों से हमने इस चने के साग को काटा। और उसको काटने के बाद मैं इसको बना रही हूँ साग को। और ये जो
कुकर में डाल के उबाल के बनाते हैं, इसमें मतलब ये बिहारी स्टाइल साग बनता है इस तरह, और यूपी में दूसरी तरह बनता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैंने कुकर में पानी को उबाल दिया था और उसमें हींग और नमक डाल के इस साग को बहुत अच्छे से बारीक बारीक काटा मैंने चाकू से ही, और उसको मैंने डाल दिया। अब ये देखिए साग बन गया था, जिसको दाल घाटने वाले से मैश भी करना पड़ा था, तब जाके ये साग इस तरह बन पाया। और उसमें मैंने मिलाया है अदरक लहसुन और ग्रीन वाली जो हरी मिर्च होती है, एकदम ताज़ी ताज़ी हरी मिर्च थी उसको, और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक। उसके बाद हमने बनाया चावल, उसको अच्छे से खाया। ठंडी में चने की साग इस तरह बना के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो बड़ी हो गई हो क्या? क्या बड़ी हो गई हो? हाँ। कितनी इतनी। तो डिनर वगैरह कंप्लीट करते करते 9 बज गए थे रात के, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को। और अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ हिंदी, और हिंदी के लिए जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, ये मेरे पास एक पतली सी बुक है जिसमें हिंदी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस और पूरे चैप्टर्स हैं। और फिर मैंने पढ़ने के बाद अपने बाल को सुलझाए, क्योंकि सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपने बाल झाड़ू। जब मैंने रात में अपने बाल झाड़े तो मेरे बाल इतने सारे कंघी में आ गए थे, इसका मैं क्या करूँ। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? और हम अभी सोने जा रहे हैं, और हम अभी सोने जा रहे हैं, और हम अभी लाइट बंद करेंगे खुद से, और अंधेरा हो जाएगा और फिर हम लोग सो जाएंगे नींद से। और तो आप भी सो जाइए। बाय बाय दोस्तों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्लिक में बटन दबा दो।